जल्दी वो यंत्र दो वरना। नहीं, मैं तैयार हूं, ले लो ये मुझसे, लेकिन पहले परियों को छोड़ दो। ये यंत्र मैं सिर्फ भैमार को दूंगा। लाओ। अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया? इस भवंडर की वजह से तो पानी का लेवल भी ऊपर आ रहा है। अरे ऐसे तो सारा पानी यहाँ पे आ जाएगा। मुझे डूबना नहीं है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काल जंग में डूबते ही हम समय चक्र में न जाने कितने साल पीछे पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है मुझे जहाज का रुख बदलना पड़ेगा। राजा, फिर मिलेंगे अगर जिंदा रहे तो। अब ठीक तो है ना? दोनों बालवीरों से एक साथ फाइट करना मुश्किल है, तो अगर दोनों को अलग अलग करना है और तिमनासा को जिंदा करने का प्रोसेस फिर से शुरू करना है, तो बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। विवान, अनन्या, मेरा हाथ पकड़ो। तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? कोशिश करो मेरा हाथ पकड़ने की। नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। छोटा बालवीर इस बवंडर में मरेगा और तुम मेरे हाथों मरोगे। भैमार मेरे शरीर को रोक सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। अनन्या और विवान को बचाने के लिए अब मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। भाली,
शौर्य, ये क्या हो गया? अनन्या और विवान बवंडर में फंस गए हैं। वही हुआ जिसका डर था बालपरी। मैंने कहा था इतिहास बदलेगा तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही कारण है कि अनन्या और विवान इस बवंडर के द्वारा समय चक्र में पीछे चले गए, भूतकाल में पहुंच गए। बालवीर भी अनन्या और विवान की तरह समय के चक्र में पीछे चला गया। हाँ, और चिंता की बात यह है कि वहाँ सिर्फ उसकी आत्मा गई है, उसका शरीर अभी भी जहाज पे है, जिसके कारण बालवीर का जीवन और अस्तित्व दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। बालवीर बवंडर में फंसकर पूरा भूतकाल में चला गया है और दूसरा बालवीर अपना आधा शरीर यहाँ छोड़कर, अगर मैं इसके शरीर को यहाँ नष्ट कर दूं तो फिर दूसरा बालवीर भी पूरा खत्म हो जाएगा। परियों भागो, आज तुम बच के नहीं जा पाओगी, ना तो इस जहाज से तुम बाहर निकलोगी और ना ही इस बालवीर का शरीर। आज दोनों बालवीर की मौत निश्चित। शौर्य, हमें अनन्या, विवान और बालवीर की मदद करनी चाहिए। नहीं बालपरी, पहले ही समय चक्र में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। अब सब उसी समय चक्र के अनुरूप होगा जिसमें अनन्या और दोनों बालवीर पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि अनन्या, विवान और बालवीर वहाँ जो कुछ भी करेंगे वही तय करेगा कि वो लोग भूतकाल से वर्तमान काल में आ पाएंगे या नहीं। हाँ, अब अनन्या और दोनों बालवीरों को वहाँ की स्थिति के अनुसार खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो कभी वर्तमान समय में वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे। और हमें ये संदेश बाकी परियों तक जरूर पहुंचाना चाहिए ताकि वो बालवीर के शरीर को सुरक्षित कर सकें, वरना शरीर नष्ट होते ही भूतकाल में ही बालवीर का अंत हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है बालपरी कि अनन्या और दोनों बालवीरों के पास वर्तमान में आने के लिए सिर्फ कुछ ही पहर हैं। 3 पहर के बाद
वो बवंडर फिर से वापिस आएगा, और अगर दोनों बालवीर और अनन्या फिर से उस बवंडर में जाकर वर्तमान में ना लौट सके तो वो हमेशा के लिए भूतकाल में ही फंसे रह जाएंगे और बालवीरों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नहीं, उस काल चक्र से कौन सा समय में आ गया? ओ भाई साहब, आज कौन सी तारीख है? कौन सा? मैं भी भूल गया कि मैं यहां पर अपनी आत्मा के साथ आया हूं, अपने शरीर को छोड़कर। ना ही कोई मुझे देख सकता है, ना ही सुन सकता है। मुझे तुरंत विवान और अनन्या को ढूंढना होगा ताकि मैं उन्हें यहां से अपने साथ वापस ले जा सकूं। अनन्या दीदी, दीदी पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। हाँ विवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि टिकट मैंने दिल्ली की ली थी लेकिन लैंड में मुंबई हो गए। अरे वैसे तो तुम्हारा हर समय बुरा समय ही होता है। मेरा मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कितना पीछे आए। अभी पता चल जाएगा। अब हाय अनन्या, हाय विवान। हेलो रे भैया। हेलो रामू काका, कैसे हैं आप? ये विवान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, जैसे इसे याद नहीं ना हो कि रे हमारा दुश्मन है। वी गाइस आर फाइन, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछा तुमने? वो आज अखबार में पढ़ा ना रे ने कि उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है। इनका मतलब है कि बारिश होने वाली, बट आई डोंट थिंक कि बारिश होगी। ये तो समझ आ रहा है कि हम ज्यादा पीछे नहीं आए, लेकिन एग्जैक्टली किस कालखंड में आए हैं ये कैसे पता चलेगा? सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। मैं समझ गया हूँ कि हम उसी टाइम फ्रेम में जिसमें बालवीर का अंत होने के बाद मैं विवान का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था। दीदी, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ विवान? एक मिनट, ये मैजिकल जेल हमने इसलिए बिछाई थी ताकि हम ये जान सके कि कौन है वो अदृश्य शक्ति जो हमारी मदद कर रहा है ना? मैंने जेल को इन दानों में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी को हम पर शक ना हो। यू मीन कि ये दाने भी जेल की तरह काम करेंगे और हमारे उस गायब दोस्त के फुटप्रिंट्स ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे? एग्जैक्टली, यू आर राइट। और मैं भी अभी अभी परी बनी। यस 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 यस, मैं सच में परी बन गई हूँ। और ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी खास शक्तियाँ क्या है। पर दीदी, यूजुअली तो हम लोगों की मेमोरी क्लीन करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारी ही मेमोरी लॉस हो गई है? कहीं आपने अपना कोई जादू तो ट्राई नहीं किया मुझ पे? वेरी फनी विवान। अब समझ में आया ये कौन सा समय है। कौन हो आप, अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू मिया। मैं जानता हूं विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो, इस रूप में भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैं इस समय में आत्मा बनकर इसलिए आया हूं क्योंकि उस कालखंड में मैं एक आत्मा के रूप में भारत नगर में था और विवान ने यह जादू रेत इसलिए बिछाई थी ताकि वो मेरे बारे में जान सके। इसके आगे की कोई भी बात ना ही विवान को याद है और ना ही अनन्या को, और शायद इसलिए उन्हें पता नहीं कि रे हमारा भाई नहीं, हमारा दुश्मन है। विवान और अनन्या को बिल्कुल याद नहीं है कि का जल माया बवंडर में फंस कर वो यहां आ चुके। वो भूल गए पर हमें सब कुछ याद क्यों है? इसे समय चक्र की लॉटरी समझो, जिसमें हम लकी निकले और ये दोनों अनलकी।
विमान और अनन्या हमेशा के लिए समय चक्र में फंस कर यहीं रह जाएंगे, लेकिन हम प्रेजेंट में जरूर जाएंगे और तिमनासा को जिंदा करेंगे। कभी कभी अच्छी बातें कर लेते हो मेरे साथ रहते रहते। जाएंगे कैसे, वापस जाएंगे हम? काल जल में आने से पहले मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर ली थी। एंड आई नो कि वो टॉर्नेडो पूरे एक घंटे तक यहाँ पर, जिसमें जाकर हम उसके पोर्टल से सीधा शिप तक पहुंच सकते हैं। ये तो यहाँ बैठे बैठे आराम क्या कर रहे हो? वैसे भी 10 मिनट निकल गए तुम्हारे चक्कर में, मेरे चक्कर में चले? नहीं अभी नहीं, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में हम अभी हैं उस वक्त बालवीर डेड था और एक स्पिरिट के रूप में यहाँ पर था, और मेरे पास एक चश्मा था जिसे पहनकर मैं उसे देख भी सकता था और सुन भी सकता था। कहाँ है बालवीर? तुम्हारे ठीक पीछे। थोड़ी देर के लिए चश्मा मुझे दे दो ताकि मैं भी बालवीर का असली रूप देख सकूं। और अगर बालवीर अभी भी यहाँ पर है तो वो स्पिरिट के रूप में ही होगा, और फिर से वो चश्मा विवान को देने की कोशिश करेगा जिससे विवान उसे देख सके और सुन सके और उसे सब कुछ बताकर पास्ट से प्रेजेंट में ले जा सके। अरे तो हमें जल्दी चलकर उस चश्मे को ढूंढ कर उसे नष्ट कर देना चाहिए ताकि बालवीर विवान से ना मिल सके और हमेशा यही फंस कर रह जाए। थैंक यू रे, मेरे आगे का रास्ता तुमने खुद साफ कर दिया। अब मुझे जल्द से जल्द उस चश्मे को ढूंढना चाहिए ताकि विवान को मैं सब सच सच बता सकूं। कहां गिरा होगा चश्मा? वो चश्मा तो यहां पर कहीं पर भी नहीं गिरा, फिर भी हो सकता है वो चश्मा वाले ने उठा लिया। अरे भैया यहाँ पर एक हेक्सागोनल शेप का चश्मा आके गिरा था, आपने उठाया क्या? अरे भैया मैं आपसे बात कर रहा हूं। कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा और खुद को देखने के लिए ऐसा चश्मा ढूंढना पड़ेगा। अरे चश्मे ले लो, चश्मे, रंग बिरंगे चश्मे। अरे वो कोई चश्मा गिरा हुआ देखा तुमने यहाँ पे? काले रंग का था ऐसा, डायमंड शेप का। ओ वो आपका चश्मा था? हाँ मेरा था, मुझे लगा मेरे ठेले से गिर गया तो मैंने उठा के वापस रख दिया। कहाँ रखा? इधर रख दिया। हाँ है, इधर। अरे 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 भाई साहब, ये क्या क्या चाहिए आपको? अरे अरे भाई साहब, वाह, कैसा लग रहा हूँ मैं? कहाँ है चश्मा? यहाँ पे। और फिर क्या बोलो? और फिर एक साइकिल वाला आया, उसने चश्मा ले लिया। नहीं नहीं उसने तो उधार लिया। उसके बाद एक स्कूटर वाला आया, उसने चश्मा लिया। नहीं नहीं स्कूटर वाले ने तो सामने वाली बिल्डिंग का एड्रेस लिया। उसके बाद बच्चे आए और उन्होंने क्या लिया, उधार लिया या सामने वाले बिल्डिंग का एड्रेस लिया? नहीं नहीं भाई उन्होंने तो चश्मा लिया। मुझे क्या ये बेवकूफ और फालतू लगता है? रामू का कप। तुझे ये क्या बेकार और फालतू लगता है? तो ऐसा बात करता है इससे? अरे सीधे सीधे तो मुद्दे पे क्यों नहीं आता? किस बच्चे को दिया चश्मा बोलो? नहीं वो मिश्रा जी के बच्चों के साथ भारत नगर के 2-3 बच्चे और आए थे। 5 बच्चे? यानी कि रिंकू, सोतली, चिंटू, चिंटी, खुशी, किसी के पास भी वो चश्मा हो सकता है। यस मुझे जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढना होगा और जिसके पास भी चश्मा है उनसे वापस लेना होगा, और वो भी इन दोनों से पहले। बेवकूफ,
तूने मेरा इतना कीमती चश्मा ऐसे ही किसी को भी दे दिया? अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं दिया, ये पूरे 50 रुपए में दिया था, सही तो आप पैसे वापस ले लो। अरे उसे छोड़ो और बच्चों के पीछे भागो। अरे ये मत बोलो कि बालवीर ने ये सुना होगा। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना था, वो लोग भी जानने की कोशिश करें कि वो कौन है जो गायब होकर भी उनकी मदद कर रहा है। अगर विवान ने देवू को देख लिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये तू देवू से पहले हम कबूतर दाना चुग लेते ना, मेरा मतलब है उनके प्लान को बिगाड़ देते। लेकिन उससे पहले मुझे वो चश्मा फाइंड आउट करना है। विवान देवू को देखे ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे देवू पर नजर रखना बहुत जरूरी है। चश्मा, चश्मा कहाँ है? चश्मा उधर देखो। रिंकू ने वही चश्मा पहना है जिसकी हमें तलाश है। अरे जाओ दे तो उसे जोर का झटका और छीन लो उसे चश्मा। जाओ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.